हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा शंकर कुमार और आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे एक अलार्म के बारे में जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए पहले वीडियो को कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो और चैनल को सफल बनाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को कीजिए ऑन और मेरा नया वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि अलार्म के बारे में जो आपके लिए सुबह उठने पर मजबूर कर देगा और आप उठ के ही रहिएगा। ये अलार्म बहुत ही डाउनलोड अच्छा हो रहा है और ये बहुत ही टॉप पर ये डाउनलोड हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, आपको सोने पर उठने पर मजबूर कर देगा। ये एप्लीकेशन बहुत ही तगड़ा है। इसके पास इसका टास्क कुछ होता है, उसका आपको परमिशन देना पड़ता है और टास्क को पूरा करना पड़ता है, तभी ये अलार्म बंद हो पाता है। तो इस वीडियो में यही बताएंगे इस अलार्म के बारे में कुछ सेटिंग्स है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कोई वीडियो चाहिए तो हम पे सजेस्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आप तक वीडियो जरूर लाएंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, नहीं तो सेटिंग्स को आप समझ नहीं पाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना देरी के अंत तक देखिएगा। तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। पहले करना क्या है आपको, ये अलार्मी जो एप्लीकेशन सिर्फ अलार्म के लिए ही बनाया गया है, इसका आप रेटिंग देख सकते हैं, 4.7 का रेटिंग है और 10 मिलियन डाउनलोड है प्लस जो इसको डाउनलोड कर चुके हैं। इसको करना है आपको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद इसके हम जो भी सेटिंग्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने के बाद हम आपको बताएंगे। तो चलिए करते इसको ओपन, और जैसे ही ओपन करने के बाद इसमें कुछ सेटिंग्स है, इसको परमिशन है, हम आपको बताएंगे इसमें क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ जैसे ओपन कीजिएगा तो यहाँ पूछ रहा है कि आप कौन कौन से इसमें अलार्म दिया गया है, इसको आप देखना चाहते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो एक नंबर पर क्लिक कीजिए, अगर इसमें नो इंटरेस्टेड है तो दो नंबर पर नो इंटरेस्टेड आप क्लिक कर सकते हैं, इसमें कोई हमको आपत्ति नहीं है। हमको जाना है इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन दिया गया है, तो हम एक नंबर वाले पर क्लिक करेंगे। और जैसे एक नंबर वाले क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है डू यू गेट अप ऑन टाइम, क्या आप कभी उठ पाए हैं। तो एक नंबर में कभी नहीं, दो नंबर में कभी कभी, तीन नंबर में हमेशा आप उठ जाते हैं। अगर तीन नंबर पर आप चूज करते हैं, आप हमेशा अगर उठ जाते हैं तो आपके लिए ये अलार्म नहीं है, आप सिंपल अलार्म का भी मोबाइल में जो दिया था उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे कभी नहीं। तो एक नंबर वाले नंबर पर क्लिक करेंगे और जैसे एक नंबर वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है कि आप उठेंगे उस समय क्या कुछ मिशन चाहिए, आपको मिशन सेट करना है इसमें जब उठिएगा, तो उस समय कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद ये अलार्म बंद होगा। तो एक नंबर में यस, लेकिन वो हार्ड मिशन है, दो नंबर में यस है लेकिन वो लो मिशन है, और तीन नंबर में नो है, इसमें कोई मिशन नहीं है, आप इसको कोई मिशन नहीं है, लेकिन हम इसको हार्ड मिशन एक नंबर पर चूज करेंगे ताकि हम उठने में हमको आसानी हो। तो एक नंबर वाले पर क्लिक करते हैं, एक नंबर वाले पर क्लिक करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं अलार्म को जो भी है आप अपने अलार्म को कितना जोर से चाहते हैं सुनना चाहते हैं, इसमें लाउड स्पीकर के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें जो पहला जो पहला ऑप्शन है वो सुपर लाउड है, क्या है वो सुपर लाउड है, जैसे कि मैं एक भारी आवाज़ सुनना चाहते हैं तो एक नंबर में वो है। बी नंबर जो ऑप्शन है उसमें क्या है बहुत जोर से है, ठीक है, तो वो है क्या अलार्म सुनता है क्या, मैं सबसे अधिक अलार्म सुनता हूँ मतलब आवाज़ में सिर्फ, ठीक है। और तीन नंबर वाइब्रेट है, केवल कंपन मतलब सिर्फ कंपन आप इसका उपयोग करेंगे, लेकिन हम यहाँ करेंगे दो नंबर वाले पर आपको क्लिक करेंगे। जैसे तो हम दो नंबर वाले पर क्लिक करेंगे, आप तीनों में से जो आपको चूज करना था वो कर लेंगे। उसके बाद सेट अलार्म पर आपको क्लिक करना है, सेट अलार्म पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ चलना है, उसके जैसे इस पर आइएगा उस पर के बाद मिशन अलार्म जो आपको ऊपर दिख रहा है, मिशन अलार्म लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे भी इस पर क्लिक कीजिए उसके बाद यहाँ पर आपको मिशन है जो भी इसमें पाँच मिशन दिया गया है, वो मिशन कौन कौन से हैं वो हम आपको इस पर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो पाँच मिशन है तो इसमें पहला है जो एकदम डिफॉल्ट है जो नॉर्मल अलार्म का है, और दूसरा है जो है टेक ए पिक्चर, ठीक है। तो ये टेक ए पिक्चर पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा इसको आपको अलाउ कर देना है, और इसका मतलब अलाउ इसीलिए करना है जैसे आप इसको जैसे हम ये जब ऑन करेंगे तो इसको हमको आपको करना है, जैसे हम इसको दे देंगे इस पिक को हम दे दिए, तो जैसे ही अब उठिएगा तो आपको ये पिक्चर आपको देना ही पड़ेगा, तब ये आपका ये अलार्म बंद होगा। चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। और तीन नंबर वाले क्या है, तो इसके अंदर जो है सेक जो है 30 टाइम, मतलब आप इसमें मिनिमम हाई लो इजी और हाई है नॉर्मल भी है, ठीक है, इस तीनों में से आप कोई चूज कर सकते हैं और यहाँ जो टाइम है अब इतने बार सुन सकते हैं। तो चलिए हम अगले पर चलते हैं, कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद चार नंबर में मैथ प्रॉब्लम है, इसमें भी है इजी है हार्ड है, अब जिस प्रकार के चाहिएगा उस प्रकार के इसमें ऑप्शन आएगा, इजी नॉर्मल और हार्ड, जैसे कीजिएगा उतना हार्ड चले आएगा, ठीक है।
और मैथ प्रॉब्लम है ये सबसे अच्छा है जो इसमें आपको सॉल्व करने के लिए मिलता है। तो हम नॉर्मल ही करके आपको दिखाते हैं, इसमें ओके करती है। और ये जो चौथा है बारकोड स्कैनर है, जैसे आप कहीं पे आपको कोई चीज़ का बारकोड दिख रहा है ना, उसको आपको यहाँ पर स्कैन करना है। तो हमारे पास कुछ जैसे आप वहाँ पर जो किए थे टेक ए पिक्चर, उसी प्रकार की ये बारकोड है। वहाँ पर फोटो लेना है, लेकिन यहाँ पर आपको क्यों ना कोई बारकोड का ऑप्शन लेना है, ठीक है, बारकोड का ऑप्शन लेना है। उसके बाद ये आपका सॉल्व होगा। तो जैसे ही ऑन कीजिएगा तब जब ऑन होगा ये अलार्म, तब आपको उसको फिर जो बारकोड दिए रहेंगे वही बारकोड को आपको फिर स्कैन करना है। लेकिन यहाँ मैथ प्रॉब्लम 3 नंबर के ओपन करेंगे, लगभग में यही ओपन सब कर रहे हैं, तो यही हम इजी करके दिखाए हैं आपको। 3 प्रॉब्लम हम लेंगे, अगर आप जाए 10 प्रॉब्लम 20 प्रॉब्लम बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम दिए, जितना भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा उतना सेकेंड में, लेकिन हम फिलहाल में 3 ही चूज करते हैं और इसको ओके कर देते हैं, और इसको भी हम फिर से ओके कर देते हैं। तो ये सेट हो चुका है। अब यहाँ 9:54 हो रहा है, तो हम 55 कर देते हैं और आपको बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ करना है। चलिए हमें अलार्म का टाइमिंग सेट करने के बाद में पहले यहाँ नीचे जो आपको दिखा रहा है वो आप देख लीजिए, सुनोज है, इसको आप ओपन करना है। और कितनी बार आपको चाहिए, कितने मिनट पर, तो 1 मिनट है, 5 मिनट है, चलिए हम 5 मिनट पर कर देते हैं। ये 5 मिनट पर फिर आपसे ये रिटर्न होगा, ठीक है। तो इसको आपको ओपन कर लेना, इसको ऑन कर लेना 5 मिनट पर। सुनो इसको 5 मिनट के बाद हम सेट कर चुके हैं, उसके बाद चलिए हम अलार्म को सेट करते हैं। तो यहाँ पर 55 पर हम आपको सेट कर लेते हैं, नहीं होगा तो चलिए हम इसको 56 पर क्लिक कर लेते हैं, और 9:56 में ये आपको एम में ये बजेगा, ठीक है। और 56 पर हम इसको क्लिक कर लेते हैं, देखिएगा जैसे 56 होगा ये आपको अपने आप ही अलार्म बजाना स्टार्ट कर देगा, और आपको कुछ इसमें जो मैथ प्रॉब्लम है उसको आपको सॉल्व करने के लिए बोलेगा। उसके बाद ये देखिए जैसे ही आ गया, सुनो जो है डिसमिस है, तो यहाँ चलिए हम इसको डिसमिस करते हैं। डिसमिस ऐसे इसको करेंगे तो आप इसको हल करके बताना पड़ेगा कि क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो भी पूछेगा मैथ प्रॉब्लम वो हम इजी कर रखें, आप हार्ड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका हम आंसर देते चलेंगे, उसके बाद ये बंद हो पाएगा, ठीक है, नहीं तो ये बंद नहीं होगा। और चलिए हम दे देते हैं, और देने के बाद ये ऑटोमेटिक ये डिसमिस आपका अलार्म बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे अलार्म बंद हो जाएगा आप यहाँ से बैक हो जाइएगा। तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला।